चलिए, कहता है बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है, x प्लस वन है। चलिए आते हैं देखते हैं किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस वन है। चलिए एक नंबर में दिया गया है कि x प्लस वन किस बहुपद का एक ये गुणनखंड है। जैसे ही गुणनखंड कहेगा तो इसके बराबर में जीरो हम कर सकते हैं कि नहीं, तो इधर प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस, जिसमें माइनस वन एक्स का मान रखने पर अगर जीरो आता है तो उसका गुणनखंड होगा, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलिए एक्स का मान दिया गया माइनस वन निकाले तो माइनस वन रख देते हैं, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का क्यूब वन प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, या माइनस या प्लस या प्लस या माइनस कैंसिल से बराबर क्या आया जीरो, तो इसका एक ये गुणनखंड है। दूसरा नंबर में दिया गया है एक्स पावर फोर एक्स पावर क्यू चलिए एक्स का मान निकाले हुए माइनस वन तो एक्स की जगह माइनस वन रख देते हैं, फोर अभी तो इतना तो काला है सर। चलिए किसका होगा वन, क्योंकि सम संख्या है तो प्लस में होगा, विषम संख्या है तो माइनस में होगा, प्लस सम संख्या है तो प्लस में होगा, विषम संख्या प्लस माइनस वन प्लस वन। चलिए आते देखते हैं वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, एक दो एक थ्री माइनस माइनस प्लस दो, तीन में से दो गया एक, लेकिन यह जीरो बराबर नहीं आया तो इसका एक ये गुणनखंड नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स का मान माइनस वन रखते हैं, प्लस थ्री ये माइनस वन पर पावर क्यू, थ्री माइनस वन पर पावर स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। चलिए देखते हैं पावर सम सम संख्या तो इसका विषम सम संख्या में होगा वन, प्लस थ्री विषम संख्या तो माइनस वन से गुणा, सम संख्या तो वन से गुणा, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। चलिए देखते हैं वन प्लस माइनस माइनस थ्री गुना वन थ्री, थ्री गुना वन थ्री माइनस वन प्लस वन, या माइनस या प्लस कैंसिल या माइनस या प्लस कैंसिल बराबर क्या बचा एक, यह भी एक इसका ये गुणनखंड है नहीं है, नहीं है। चार नंबर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। चले आते देखते हैं एक्स का मान दिया गया माइनस वन, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह माइनस वन रख देते हैं, एक्स की जगह माइनस वन, अब प्लस रूट टू तो दिया गया है, वन क्या क्यों माइनस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस रूट टू माइनस, क्योंकि यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो वन से गुणा करेंगे दो में तो दो प्लस रूट टू और प्लस रूट दो, तो यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस या नहीं है माइनस माइनस प्लस कर दिए, जब प्लस वन से गुणा करेंगे तो मतलब दो आएगा और प्लस दो वन से गुणा करेंगे रूट टू मतलब रूट टू आएगा और प्लस रूट टू, तो ये दिया गया है। चले आते देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक एक दो, तो यह दो यह तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। चलिए तो बचा क्या यहाँ रूट टू प्लस रूट टू, एक एक दो रूट टू, क्या कभी यह जीरो आया है नहीं, तो यह गुणनखंड नहीं है।